प्रेम जब प्रकट होता है ना बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रेम जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में विपरीत अवस्था भी अच्छी लगती है। प्रेम जब प्रारंभ होता है तो प्रेमी को रात में निद्रा भी ना मिले तो भी अच्छा लगता है, भोजन ना मिले तो भी अच्छा लगता है, पानी ना मिले तो भी अच्छा लगता है, अनुकूल वातावरण का कमरा ना मिले, बिना एसी का कमरा मिल जाए तो भी अच्छा लगता है, बस प्रेमी संग होना चाहिए, प्रेम की प्रथम अवस्था है। प्रेम की द्वितीय अवस्था जब प्रारंभ होती है तो प्रेमी की परीक्षाएं शुरू होती हैं। फिर जो प्रेमी है वो इस अवस्था में आ जाता है कि वो अपने प्रेम को तो मान चुका है कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, सामने वाला मुझसे प्रेम करता है कि नहीं उसकी परीक्षाएं लेना प्रारंभ करता है। फिर वो ऐसा कुछ करता है कि जिससे पता चले कि ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। तीसरी अवस्था में रूठना मनाना मान लीला प्रारंभ हो जाती है। चौथी अवस्था में स्वीकारीकरण और विश्वास आ जाता है। पांचवी अवस्था में प्रेम अब पुष्टता की ओर बढ़ता है तो दोनों में वियोग की भावना, संयोग वियोग, कभी राजी कभी रूठ गए, कभी राजी कभी रूठ, संयोग वियोग आत्मक भाव रहता है। छठवीं अवस्था में प्रेम विरह प्रदान करता है, कोई भी एक थोड़ा दूर हो जाएगा, अगर प्रेम सच्चा होगा तो विरह प्रारंभ होगा, प्रेम केवल बहाना रहा होगा या केवल आसक्ति रही होगी तो उस विरह से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। छठवीं अवस्था का प्रेम प्रारंभ होते ही अगर प्रेम सच्चा है तो विरह आएगा। सातवीं अवस्था में व्याकुलता आ जाएगी, अब पहले तो अच्छा लग रहा था इसलिए भोजन भी मन नहीं होता था, सोने का मन नहीं होता था, पर अब व्याकुलता इतनी बढ़ गई है, व्याकुलता के कारण भोजन नहीं प्रिय लगता, निद्रा नहीं प्रिय लगती। प्रेम की आठवीं अवस्था ये हो जाती है कि चिंतन करते 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 प्रेमी का जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखते हैं उसमें प्रेमी दिखने लग जाता है, इसकी चाल मेरे प्रेमी जैसी है, इसका मुख मेरे प्रेमी जैसा है, वो हंसता था तो ऐसे ही हंसता था, वो बैठता था तो ऐसे ही बैठता था, वो बोलता था तो ऐसे ही बोलता था। प्रेम की नौवीं अवस्था जब आ जाती है तो प्रेम प्रगाढ़ और वियोग की चरम स्थिति आ जाती है, तब व्यक्ति जड़ और चेतन का भी भ्रांति नहीं रख पाता, जड़ से भी पूछने लग जाता है, जड़ से भी चर्चा करने लग जाता है, जैसी गोपियों की हो गई थी। भगवान के वियोग में वृक्षों से पूछ रही है, तुमने श्याम सुंदर को देखा, तुलसी से पूछ रही है, अरे तेरे बिना तो भोजन ही नहीं करते, तूने उनको देखा, मयूर से पूछती हैं, तुमने उनको देखा, तुझे तो सिर पे धारण करते हैं। प्रेम की नौवीं अवस्था आ जाती है और प्रेम की जब दसवीं अवस्था प्रारंभ होती है तो प्रेमी अपने प्रेमी का चिंतन करते 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 प्रेम विगलित होने लग जाता है, जैसे एक मोमबत्ती में अग्नि प्रज्वलित करने पर वो पिघलने लग जाती है, ऐसे प्रेमी के सर्वांगीण अंग पिघलने लग जाते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई चर्चा मत कीजिए, हमारी प्रार्थना है। ठाकुर जी ने जब कथा में बैठना और श्रवण करना प्रारंभ किया तो ब्रजवासियों की याद आने लगी, अपनी लीला सुन के मुस्कुराने लगे, अच्छा सा लगने लगा, फिर विपरीत अवस्था भी अच्छी लगने लगी, धीरे 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 कथा आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी उन अवस्थाओं को पार करते गए, पार करते करते छठवीं सातवीं अवस्था में आकर के ठाकुर जी अपना हृदय पकड़ करके सहलाने लगे, ब्रजवासियों की याद आने लगी। सातवीं आठवीं अवस्था आते ही श्री ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगे,
सभागृह में दिखने वाली ब्रज जैसी कोई भी वस्तु उसको ठाकुर जी जा करके अपने हृदय से लगाने लगे। मेरी मैया कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ है, मधुमंगल श्रीदामा सब कहाँ है, इस प्रकार ठाकुर जी ढूंढने लगे। अपनी पटरानियों में ही किसी के रूप को देख करके कहते हैं श्रीदामा ऐसो ही लगे, मेरो मधुमंगल ऐसो ही दिखे, रोहिणी मैया को देख के यशोदा मैया ऐसी लगे, बलराम जी को देख के कहते हैं दाऊ दादा हमारे नंद बाबा ऐसे ही लगे। ठाकुर जी की ऐसी अवस्था प्रकट हो गई। सब बैठे सहमे देख रहे हैं केवल। जैसे ही विरह की प्रेम की दसवीं अवस्था प्रारंभ हुई, सुभद्रा जी गई दौड़ करके ठाकुर जी को एक जगह स्थान पर लाकर के बैठाया, संभालने लगी। पर रोहिणी मैया तो भावावेश में आकर के कथा कहती जा रही हैं, सुनते 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 प्रेम की दसवीं अवस्था में जैसे ही प्रवेश किया, ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं, बलराम जी की भुजाएं खड़ी हो गईं, मानो मानो आवाहन कर रहे हूं, अरे भैया कोई जाओ जाके ब्रजवासिन को लाके हमारे हृदय से लगा दो। दसवीं अवस्था प्रारंभ होते श्री ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा, नेत्र पिघल गए, नासिका पिघल गई, कान पिघल गए, मुखमंडल पिघलने लगा, हस्तकमल पिघलने लगे, चरण पिघल गए, उदर पिघल गया, सर्वांगण श्री अंग पिघलने लगा श्री ठाकुर जी का। प्रेम अपनी स्थिति में होता है तो नेत्रों से आंसू निकलते हैं, पर प्रेम जब चरम स्थिति में जाता है तो व्यक्ति की चरम भी पिघलने लग जाती है। हम संसारी मानव पांचवी श्रेणी से ऊपर नहीं जा सकते प्रेम की, में क्योंकि हमारा प्रेम इतना है ही नहीं। उससे ऊपर की स्थिति में जाते ही सबको अपना स्वार्थ दिखने लग जाता है। हम कभी दसवीं अवस्था, नौवीं अवस्था, सातवीं अवस्था में नहीं जा सकते, हमारी स्थिति केवल पंचम अवस्था तक है। जैसे वियोग प्रारंभ होता है, वियोग आते ही हमको अपना स्वार्थ दिखता है, और स्वार्थ दिखते ही हम अपने प्रेमी का त्याग कर देते हैं, उससे मिलने वाले विरह को हम सह नहीं पाते। ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा। ठाकुर जी की इस अवस्था को देख करके देवता त्राही माम करके दौड़ने लगे। दौड़े दौड़े गए श्री नारद जी के पास, और नारद जी से जाके कहा, नारद जी कुछ करिए, अगर रोहिणी मैया की कथा को अभी रोका नहीं गया तो श्री ठाकुर जी संपूर्ण जल निमग्न हो जाएंगे। तुरंत नारद जी महाराज आए। कथा इतनी इतनी प्रबल स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहां जाकर के विक्षेप नहीं डाल सकता कोई, पर श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की स्थिति को देखा और देखते हुए तुरंत रोहिणी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपना करताल बजाते हुए रोहिणी मैया के भाव को भंग किया। नेत्र खुले रोहिणी मैया के, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है, लाल पड़ गए नेत्र। नारद जी आप तो कथा के इतने रसिक हैं, फिर कथा में विघ्न कैसा? नारद जी महाराज ने इशारा किया, मैया सामने देखो, पीछे बैठे द्वारिकाधीश बलभद्र और सुभद्रा तीनों प्रेम की दसवीं अवस्था पार कर चुके हैं, उनका श्री अंग पिघल रहा है। यदि मैं आपकी कथा को थोड़ी देर और नहीं रोकता तो तीनों जल निमग्न हो जाते, नदी बनकर के बहने लगते। बंधुओं, द्वारिका कभी जाइएगा तो गोपी तलाव का दर्शन कीजिएगा, कृष्ण विरह में गोपियां जल निमग्न हो गईं। बिंदु सरोवर का कभी दर्शन कीजिएगा, वहीं पर सिद्धता नाम की नदी है, जो कि भगवान श्री कपिल की मैया देवहूति माता प्रेम की अवस्था पार करके नदी बन के बहने लगी। कालिंदी प्रेम की अवस्था पार करके नदी बन के यमुना जी बन गई। भगवान शिव का प्रेम ही
श्री गंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रेम की अवस्था को जिसने पार किया वो बहने लगा। यदि उस समय नारद जी नहीं आते, कथा को नहीं रोकते, तो शायद जगन्नाथ प्रभु भी बहने लगते, कोई नदी ही प्रकट हो गई होती द्वारिका में। रोहिणी मैया से कहा, कथा को यही विश्राम दीजिए, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघल रहा है। सब दौड़ करके गए, देखा बलभद्र, सुभद्रा और श्री जगन्नाथ, श्री द्वारिकाधीश, तीनों का श्री अंग प्रेम विगलित हो गया। नारद जी महाराज रुदन करने लगे, चरणों में प्रणाम करने लगे, भगवान आप अपने रूप में प्रकट हो जाइए, नाथ ऐसा मत कीजिए। जगन्नाथ द्वारिकाधीश कहने लगे, नारद जी पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था क्या होती है, ये स्वरूप मेरा सदा तुम्हारे चित्त में रहेगा। मैं अभी अपने पूर्व रूप में आ जाऊंगा, पर मेरे स्वरूप को तुम अपने चित्त में धारण करके रखो। कलिकाल में व्यक्ति इतना ज्ञान सहन नहीं कर पाएगा, वैराग्य अपने जीवन में ला नहीं पाएगा, पर वो प्रेम का अधिकारी बन पाएगा। उसको प्रेम स्वरूप बताने के लिए, प्रेम किसे कहते हैं यह दर्शाने के लिए, मेरा यह स्वरूप तुम्हारे हृदय से कलिकाल में पुनः प्रकट होगा। तब तक के लिए इस स्वरूप को तुम अपने चित्त में विराजमान कर लो। और वही ब्रजवासियों का प्रेम, वही श्री किशोरी जी, वही नंद बाबा यशोदा मैया के विरह में प्रेम जो प्रकट हुआ द्वारिकाधीश का, वही रूप कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा के द्वारा इस धरा धाम पर प्रकट हुआ, जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की।